मेकअप, क्लोथ्स, ज्वेलरी, शूज़, इन्हीं सब चीज़ों का शौक़ होता है ना हम लेडीज़ को। तो चलो आज मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाती हूँ। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुरप्रीत और आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी। सो ज्वेलरी तो बहुत सारी है बट उसमें से कुछ पीसेस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल और मुझे बहुत पसंद है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर इट विद टुडे। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो पहले हम इस बॉक्स से शुरू करते हैं। इस बॉक्स में मेरे पास कुछ कड़े हैं। सो पहला पेयर है वो ऐसे है, बहुत ही प्यारा ओलकी वाला पेयर है। इसमें नट्स हैं, ये चूड़ी दे रखी है, इससे आप खोल बंद कर सकते हो और ये ट्रेडिशनल लुक देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको और चूड़ियों के साथ मिला के या ऐसे ही आप पेयर करो, अकेले पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं ये कड़े। सो नेक्स्ट आर दीज बेसिक कुंदन की बैंगल्स एंड नेक्स्ट कम दिस एडी के कड़े। ये कुछ डायमंड स्टोन स्टडेड कड़ेज हैं। ट्रेडिशनल के साथ पहन लो चाहे वेस्टर्न के साथ पहन लो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है आपने डायमंड के कड़े पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। नेक्स्ट इज़ माय सिंगल कड़ा। ये मेरे पास सिंगल कड़ा है, गोल्डन कलर का। ये कुछ ऐसे है, टेम्पल ज्वेलरी टाइप्स का कुछ कड़ा है ये भी पेच वाला कड़ा है, यहाँ इसका पेच है, उसको खोल लो, डाल लो और बंद कर लो। ओके सो जो नेक्स्ट है वो ये हाथ फूल है, आई थिंक हाथ फूल ही बोलते हैं इसको। सो ये इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा है। ये स्टोन स्टडेड है, एडी स्टोन स्टडेड है, बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज़ के साथ पहना हुआ, इंडियंस के साथ या वेस्टर्न्स के साथ पहना हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट इन माई कलेक्शन आर टू टीकास, मांग टीकास। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस। ये आपके माथे पे बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से ये आगे फिट होता है और बहुत ही प्यारी लुक देता है ये। मतलब आपने कुछ भी नहीं पहनना, कानों में नहीं पहनना, एक सिंपल सी स्ट्रिंग पहनो गले में एंड यू पुट दिस काइंड ऑफ मांग टीका एंड यू आर गुड टू गो। अब क्योंकि मेरे पास एडी के हैं थोड़े सेट्स, तो आई हैव दिस स्टोन स्टडेड मांग टीका। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टोन स्टडेड है इसलिए बहुत हैवी नहीं, थोड़ा डेलिकेट ही अच्छा लगता है ये। नाउ आई हैव सम कॉकटेल रिंग्स। ये देखिए, ये ब्लैक और वाइट स्टोन में और ये प्लेन एडी, ग्रीन रेड का कलर है, थोड़ा मोती है एंड सम एडी स्टोन वर्क। वन इज दिस। ये आप नॉर्मली कोई बर्थडे पार्टी पे या किट्टी पे या कहीं पे भी इस टाइप के फंक्शन पे पहन सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बिग बॉक्स पे। ये बहुत ही अच्छा कॉकटेल लुक वाला स्टड है, गोल्डन और कॉपरिश लुक में आता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। हर चीज़ के साथ एक सिंपल सा कोई आउटफिट पहना है उसके साथ आप ये पहन लो और बस, नथिंग एल्स इज नीडेड। झुमकीस, पीकॉक बना हुआ है ग्रीन कलर में, बहुत ही प्यारी लगती है ये पहनी हुई। ट्रेडिशनल लुक में है, कुंदन का थोड़ा थोड़ा काम है इसमें, नीचे ये बीड्स, लुक्स अमेजिंग। नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर के झुमके, ब्लैक डैंगलर्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। इसमें कुंदन, ब्लैक स्टोन, बहुत ही अच्छा वर्क है, गोल्डन के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट आई एम हैविंग दीज डैंगलर्स। ये तो मतलब अल्टीमेट है, ऐसे लगता है पूरा शैंडलियर आपने अपने कान में पहना हुआ है, बट दे लुक अमेजिंग। ये मेरे पास एडी में डैंगलर है, ये बहुत ही प्यारा है, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, गाउन्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दीज आर द इयररिंग्स दैट आई लव द मोस्ट। आप ज़्यादा मुझे यही पहने हुए देखोगे हर जगह पे, हर ट्रेडिशनल के साथ। ये कुंदन की बहुत ही प्यारी मतलब अलग ही डिज़ाइन है इसका, मैं क्या बोलूँ। सो ये पोल की कुंदन है बीच में और नीचे बीड्स हैं वाइट कलर के, और ये गोल्डन ट्रेडिशनल के साथ भी एंड इवन कुछ वेस्टर्न्स के साथ, अगर इंडो वेस्टर्न्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये इयररिंग्स हैं और इसके साथ ये मांग टीका है। सो इट इज़ अ सेट ऑफ इयररिंग्स एंड मांग टीका। द नेक्स्ट वन आर दीज। आई लव दिस लुक। ये शैंडलियर टाइप का लुक बहुत अच्छा लगता है पहन के कानों में। एंड ये जो वाइट होता है ना कुंदन, गोल्डन एंड वाइट, ये बहुत बेसिक होता है, हर चीज़ के साथ, किसी चीज़ के साथ भी पहन लो आप, सबके साथ ही चला जाता है। एंड इसके साथ ये मांगटी का भी है। नेक्स्ट आई हैव सम एडी सेट्स। ये देखिए, इसके स्टोन्स की क्वालिटी इज़ अल्टीमेट। आप खुद ही देख रहे होंगे कि इसके स्टोन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, दूर से ही पता चलता है कि कोई बहुत ही अच्छी और रॉयल चीज़ आपने पहनी हुई है। और इसके इयररिंग्स ये हैं, ये भी एडी का सेट है, ये भी बहुत प्यारा है। ये मैंने आज से पता नहीं 5-6 साल पहले लिए थे एंड ये इतने अच्छे निकले हैं, स्टोन्स एंड दी मेटल इटसेल्फ, कि बिल्कुल काला नहीं हुआ, बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ इनका। और ये इसके इयररिंग है एंड दी शो स्टॉपर सेट इज दिस। ये मतलब दिस हैज़ माई हार्ट। ये इतना अच्छा सेट है, कोई भी कलर के साथ आप इसको पहन लो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको पहन लो, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, एथनिक के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द अमेजिंग थिंग। इसके इयररिंग्स कुछ ऐसे हैं, इयररिंग्स थोड़े सिंपल हैं बिकॉज सेट इटसेल्फ इज़ टू मच। सो हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़। ओके गाइस, सो ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। लेट मी नो कैसा लगा आपको। एंड इसमें से मैक्सिमम जितनी ज्वेलरी है, ऑलमोस्ट 99% ज्वेलरी मैंने चांदनी चौक से दरीबा कले से ही ख़रीदी हुई हैं। सो आपको अगर कुछ ऐसा चाहिए हो, कुछ बहुत ही इंट्रिकेट पीसेस मिलते हैं वहाँ पे, यू कैन श्योरली गो एंड परचेज़ फॉर योरसेल्फ। एक बारी एक्सप्लोर कीजिए उस मार्केट को फॉर ज्वेल्स, इट इज़ द बेस्ट प्लेस। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड यस गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ डू यू लाइक इट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Till then, till the next video. Bye-bye.